तो गाइस स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मिराकुलस को लेकर, और इसी के साथ साथ बात करने वाले हैं पोकेमोन के बारे में, और इसी के साथ साथ बात करने वाले हैं यहाँ पे डोरेमोन के बारे में। तो वीडियो जो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है तुम्हारे लिए, तो वीडियो को एंड तक देखना और मस्त मस्त अपडेट्स हैं तो मिस भी मत करना। और हाँ, इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो सब्सक्राइब कर देना, उस रेड बटन को ग्रे कर देना। और हाँ, अगर वीडियो तुमको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, उससे हमको क्या है और मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोस बनाने का। तो अब देखो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इंट्रो लगाते हैं और फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट जो आती है वो आती है अपने डोरेमोन से निकलकर। तो जैसे कि तुमको बताया कि कल डोरेमोन भाव का अपने बर्थडे था, तो अपने जो डोरेमोन भाव यानी कि नीले भाव, सॉरी यार, डोरेमोन जो अपने भाव है उनका कल बर्थडे था। तो जैसे कि तुमको बताया कि पिछले साल जो है डोरेमोन भाव के जो बर्थडे था उस दिन आपको बताया कि काफ़ी सारी हमको देखने को मिली थी क्या मूवीज, तो मगर अभी कल जो है हमको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला सिर्फ बर्थ ऑफ जापान और कुछ एपिसोड्स, और शायद कोई मूवी भी आई होगी, मेरे को पता नहीं है। मगर हाँ, तुमको इस बार भी मस्त चीज़ देखने को मिलने वाली है। वो क्या है कि डोरेमोन का न्यू सीज़न यानी कि सीज़न 19 शुरू होने वाला है, और ये शुरू होने वाला है 5 या 6 सितंबर को तुमको देखने को मिल जाएगा, और न्यू एपिसोड आएंगे और वो भी आएंगे शाम के 5 बजे। तो तुम देख के इसको इंजॉय करना ही करना है। हाँ, डबिंग थोड़ी सी अलग होगी, मगर हाँ सीज़न नया होगा जो कि पहले कभी भी डिज्नी चैनल पर नहीं आया है, तो जो है दुगना मज़ा तुमको आने वाला है। जैसे कि तुमको बताया कि पिछले भी स्पेशल हुआ था और इस बार भी कुछ स्पेशल करा है डिज्नी इंडिया वालों ने। तो अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, और अगली अपडेट जो है वो आती है यहाँ पे मिराकुलस फैंस के लिए। तो अब देखो, ये न्यू एपिसोड की अपडेट नहीं है, और ना ही किसी न्यू सीज़न की, और ना ही किसी न्यू मूवी की। ये एक डिफरेंट अपडेट है कि जो अपना मिराकुलस है वो तुमको, जैसे कि कोई लोग जो है देख नहीं पाते हैं टीवी पे किसी रीजंस के चलते, तो वो जो है अब इसको OTT प्लेटफॉर्म्स पे आराम से इंजॉय कर पाएंगे। और वो कौन सा OTT प्लेटफॉर्म है, वो है यहाँ पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार। तो यहाँ पर जैसे कि तुमको बताइए कि जो स्टार टीवी है वो दोनों एक मतलब पार्टनरशिप में है हॉटस्टार और वो, तो इस तरह तुमको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे भी जो है अब मिराकुलस देखने को मिल जाया करेगा, तो तुम उसको वहाँ पे भी जाकर इंजॉय कर सकते हो। तो इसकी अपडेट यहाँ पे ख़त्म होती है, और कोई अपडेट आती है तो मैं तुमको अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। अब जो अगली अपडेट आती है वो आती है अपने यहाँ पे पोकेमोन से निकलकर। तो पोकेमोन से निकलकर तो बड़ी अपडेट्स नहीं आई है, मगर तुम सुन लो, जैसे कि तुमको बताइए कि हर रात तुमको 10 बजे पोकेमोन की मूवीज़ देखने को मिल रही है। तो अब मेरे को तो नहीं पता ये क्यों हो रहा है, शायद कोई न्यू मूवी आने वाली हो इस वजह से ये कर रहे हो, बट इसके चांसेस कम है यहाँ पे। वैसे तो ये पिछली बार भी हुआ था, फिर बंद हो गया था, अब वापस स्टार्ट हो चुका है। तो तुमको रात को 10 बजे नई मूवीज़ देखने को मिल जाती है, तो जैसे कि अनोन का तहलका और एश पिकाचू ओलुगा इन डेंजर, ऐसी मूवीज़ तुमको देखने को मिल रही हैं, और भी कई मूवीज़ देखने को मिल रही हैं जो कि अभी तक इंडियन टेलीविज़न पे जो हैं आई हैं, तो वो मूवीज़ तुमको देखने को मिल रही है। और इसी के साथ जैसा कि तुमको पता ही है कि पोकेमोन का सीज़न जो था सीज़न 14 यानी कि वो जो है बंद हो गया था बीच में, मगर अभी दो तीन दिन हो गए वो वापस स्टार्ट हो चुका है। तो तुम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो टाइमिंग्स, रात के 8 बजे जाके तुम इसको एंजॉय कर सकते हो। जिन्होंने एपिसोड मिस करे थे वो वापस देख के इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी लगता है मुझको। तो आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और हाँ, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उस रेड बटन को ग्रे कर देना। और हाँ, अब से रेगुलर वीडियोस अपलोड करने की मैं कोशिश करूँगा, जैसे कि तुमको बताइए कि मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ, मगर अब से मैं जो है रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा और अपलोड कर दिया करूँगा। अब रेगुलर तो कर नहीं पाऊँगा, मगर हाँ मैं कर दिया करूँगा।